खोपली के उपचुनाव में हुए भेदभाव व अनियमितता के जांच की मांग को लेकर निरस्त किए गए फॉर्म के विरोध में दुर्ग पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव के तहत विभिन्न पंचायतों में हो रहे निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान ग्राम खोपली के पंचायत उपचुनाव में पूर्व सरपंच व मंडल भाजपा अध्यक्ष फतेहलाल वर्मा का तथा ग्राम कुटेला भाटा के सरपंच प्रत्याशी शकुंतला साहू का नामांकन फॉर्म निरस्त किए जाने के विरोध में न्याय की मांग को लेकर भाजपा नेताओं ने पूर्व सरपंच फतेहलाल वर्मा व शकुंतला साहू के साथ जनपद ऑफिस के सामने एक दिन पहले जमीन पर बैठकर धरना दिया था। वहीं आज निर्वाचन अधिकारी व पूरा प्रशासन को सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई और दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसडीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा। गौरतलब है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जा रहे उपचुनाव में गोपीउतई के पूर्व सरपंच फतेहलाल वर्मा को माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद भी 22 दिसंबर को जिलाधीश द्वारा अचानक धारा 40 के तहत बर्खास्त कर दिया गया, किंतु इसकी सूचना प्रशासन द्वारा पदासीन सरपंच फतेहलाल वर्मा को भी नहीं दी गई और तीसरे दिन इस दौरान 25 दिसंबर को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पूरे प्रदेश में पंचायत उपचुनाव की घोषणा के साथ इस पंचायत में भी चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। इस संबंध में न्यूज टीम को ज्ञापन देने पहुंचे भाजपा के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। राज्य अधिनियम के तहत पंचायतों को सुदृढ़ करना और वहाँ ग्रामीण नेतृत्व को आगे बढ़ाना ये बनाई गई है, लेकिन ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ में जब से प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार आई है केवल और केवल पक्षपातपूर्ण ढंग से चुनाव हो रहे हैं। खोपली जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष फतेहलाल वर्मा जी, वहाँ के सरपंच से पहले उन्हें बर्खास्त किया गया, न्यायालय से स्थगन आदेश पास उन्हें कार्यरत थे और फिर अचानक 22 दिसंबर को उनको बर्खास्त कर दिया जाता है और 25 दिसंबर को चुनाव हो जाता है घोषणा। अब ये आप बताइए कि चुनाव की एक प्रक्रिया होती है, किसी भी निकाय या पंचायत पंच में चुनाव होता है तो वहाँ पर एक निर्वाचन की प्रक्रिया करना पड़ता है। पहले नाम निर्देशन कार्य दावा पत्र होता है, मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है, ये पूरी प्रक्रिया लगभग 3 महीने के आसपास होती है, तब कहीं जाके वहाँ उपचुनाव होता है। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है यहाँ पर इस प्रक्रिया का कहीं तो कोई पालन नहीं किया गया, बल्कि दुर्भावनापूर्वक इनका फॉर्म भी निरस्त कर दिया गया और ये सब गृह मंत्री के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाजपा का कोई जनप्रतिनिधि ना आए और जो जनप्रिय और लोकप्रिय लोग हैं उन्हें पीछे किया जाए और ताकि अपने कांग्रेस के लोगों को आगे किया जाए जो उनकी नीति लगती है। इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कल भी जनपद पंचायत कार्यालय के सामने धरना दिया था और आज कलेक्टर महोदय के सामने आपत्ति दर्ज कराने और इस विषय पर संज्ञान में लेने की मांग करके हम लोग सब आए हैं। दुर्ग जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत खोपली में उपचुनाव किया जा रहा है, जिसमें मैं वहाँ अपना नामांकन दाखिल मेरे द्वारा किया गया था, मगर समीक्षा बैठक कल 4 तारीख को जनपद पंचायत दुर्ग में रखा गया था। वहाँ पे मुझे 12 बजे तक जानकारी बताया वहाँ के अधिकारी कि आपका फार्म पात्र है, मगर अचानक 1 बजे मुझे पता चला कि मेरा फार्म निरस्त कर दिया गया है। जब मैं वहाँ पे रिटर्निंग अधिकारी से पूछा कि मेरा फार्म किस कारण से निरस्त किया गया है तो वो बोलता है कि आपको धारा 40 के तहत बर्खास्त किया गया है, मगर मेरे द्वारा जवाब दिया गया है कि अभी तक मेरे को कोई न्यायालय द्वारा 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने के योग्य नहीं ठहरा गया है। तो आप किस कारण से कर रहे हैं सर, और मेरे इसमें भी पहले इसी जनपद पंचायत में कुटेला फाटा का जो सरपंच है उसका भी फार्म निरस्त किया गया है और धारा 40 में बोड़े गांव का जो सरपंच 2020 में चुनाव लड़ा था वो भी धारा 40 में बर्खास्त हुआ था, फिर वो दोबारा चुनाव लड़े तो उसका फार्म क्यों निरस्त नहीं किया गया। एक ही निर्वाचन प्रक्रिया में दो अलग अलग नीतियों का क्यों पालन किया जा रहा है। मैं न्याय चाहता हूँ, शासन से मैं न्याय के लिए आया हूँ। कल मैं रिटर्निंग अधिकारी के पास आवेदन दिया हूँ, उसमें कोई भी प्रकार का कार्रवाई नहीं किया गया है, जिसके कारण वो नहीं हो पाया। उसके विरोध में मैं आज कलेक्टर साहब से न्याय के लिए गुहार लगाने के लिए यहाँ आया हूँ और कलेक्टर साहब से मैं अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ आया हूँ और ज्ञापन दूंगा उसके। ग्रैनी सीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।